परमानंद जी ने कहा कि तुम्हारे लिए से तुम्हारे जैसे करने का तात्पर्य नहीं था कि जैसे तुम चौदह इंद्रियों से युक्त हो, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अंतःकरण इंद्रिया और पार्थिव पिंड, उससे तात्पर्य नहीं था। उनका तात्पर्य उनकी आत्मा से था। हम लोगों को अपने शरीर का ज्ञान है, लेकिन हम कौन हैं इसका ज्ञान नहीं है। जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, कैसे हैं, उसी दिन उसी क्षण परमात्मा का भी ज्ञान होगा। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। हम अपने शरीर को पहचानते हैं, अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी हमको पहचानती है, हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्र हमको पहचानता है, हम अपने परिवार को पहचानते हैं, परिवार हमको पहचानता है, हम अपने कुटुंब परिवार को पहचानते हैं, वह भी हमको पहचानता है। दुनिया के बहुत लोगों से हमारी दोस्ती है, बहुत लोगों को हम जानते हैं, लेकिन परम आश्चर्य यह है कि हम अपने कौन हैं इसको नहीं जानते। आमी आमी कोई बुझी देना पारी के आमी आमाते आते की रतौन कौन शक्ति बोले बेराई चले बोले सारे और भावे कोई देह अचेतन जे माजे आछे प्राणेरी संचार ताहते कोई आमी तो आमार प्राण जले चले पड़े सवाकार केवाकार को था रवे धनजन। हम तो कहते हैं, लेकिन हम हैं कौन? भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि मैनं दहत पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई अस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकते, पानी इसको भिगा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकता सकती। तो जो ईश्वर का अंश है वह तो इतना ऐसा, और जो ईश्वर अंशी है वह कैसा होगा? जब तक कोई खुद को नहीं जानेगा, खुदा को नहीं जानेगा। इसलिए पहले खुद को जानो तुम कौन हो। हमारा और हमारे शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे वस्त्र का संबंध शरीर से है। हम लोग जब से जन्म धारण किए हैं, तब से अब तक शरीर तो वही है, किंतु कितने कपड़े पहने हैं और कितने कपड़े फटे हैं याद है किसी को? किसी के पास हिसाब है? तो एक ही शरीर में जिस तरह हम अनेक कपड़े पहने हुए हैं, नए पहने पुराने फटे, उसी तरह एक जीव कितने शरीरों को धारण किया है जिसका ठिकाना नहीं है।
84 प्रकार की योनियों में, 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते हुए आज यह मनुष्य शरीर में आया है। आज भी अगर पहचान नहीं कर सकता है तो कभी पहचान नहीं कर सकता है। हम संसार की जितनी चीजों को देखते हैं सभी चीजें ससीम हैं। सूर्य गोल है, चंद्र गोल है, पृथ्वी गोल है, क्षितिज गोल है। यह गोलाई सीमा निर्धारित करती है। जितनी चीजें हैं संसार की सारी चीजें ससीम हैं। प्रश्न होगा कि उन ससीमों के पार में क्या है। उत्तर होगा कि सारे ससीमों के पार में असीम है और वह असीम एक से अधिक हो नहीं सकता। अगर एक से अधिक हो तो दोनों की सीमा हो जाएगी। अगर कोई पूछता है कि ससीम के बाद असीम है तो असीम के बाद भी कुछ होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि बेचारा असीम का अर्थ ही नहीं जानता है। असीम का अर्थ जिसकी सीमा नहीं, जिसकी सीमा ही नहीं, उसके बाद क्या होगा? वही असीम तत्व परमात्मा है। हम लोग इंद्रियों से जिन विषयों का उपभोग का उपयोग करते हैं उन विषयों के संबंध में भी दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। हम पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, टिकड़ी खाते हैं। कोई पूछे कि तीनों के स्वाद में क्या अंतर है बताइए तो पेड़ा कैसा होता है? मीठा। टिकड़ी कैसी होती है? मीठी। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। तो सब तो मीठा ही मीठी है। स्वाद में अंतर क्या है सुनो बताइए। तीनों के तीन प्रकार के स्वाद हम चखते हैं। जिस जिज्ञासा से हम चखते हैं वो जिज्ञासा बेचारी नहीं बोल सकती है, क्योंकि जिज्ञासा बोलने की क्षमता है नहीं। उसी तरह जो ईश्वर प्रभु परमात्मा है उसको जो देखता है वह बोल नहीं सकता है। जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे ना, सुने सो समझा गए नहीं, रसना दृढ़ सरवण का। हम लोग जो कुछ सुनते हैं कान से सुनते हैं तो कान किसी को कुछ कह सकता है? सुनते तो कान से है। देखते हैं आंख से तो क्या आंख क्या बोल सकती है कि वो कैसा देखता है? जो देखे सो सुने नहीं। एक व्याघ्र ने एक हिरण को तीर मारा, हिरण अपनी जान लेकर भागता हुआ चला जा रहा था। एक साधु बाबा अपने आश्रम में बैठे थे, उसके आगे से ही हिरण निकल गया।
और जाकर एक झाड़ी में छिप गया। इतने में ब्याघ्रा आया और वो पूछता है कि बाबा आपने एक सर्विद्ध हिरण को भागते देखा है? साधु बेचारे असमंजस में पड़ गए, जीवन में कभी झूठ बोला नहीं तो कैसे कहूं कि नहीं देखा। अगर सत्य बोलता हूं कि हां देखा है तो बेचारे निरपराध एक प्राणी की हत्या हो जाएगी, तो हत्या का पाप लगेगा उनको। जहां अहिंसा परम धर्म है वहां मुझे हिंसा का पाप लग जाएगा। तो हां कहने में भी कठिनाई है, ना कहने में भी कठिनाई है। तो साधु बाबा ने कहा कि भाई यार, जिसने देखा है वो बोल सकता है नहीं, और जो बोल सकता है वो देखा ही नहीं है। मैं क्या बताऊं, अगर हिरण को भागते हुए देखा था नेत्र में तो नेत्र तो बोल करता ही नहीं है। बोले कि जिभ्या तो जिभ्या बेचारे तो देखी नहीं है, तो क्या बोली। उसी तरह परमात्मा को चेतन आत्मा ही जान सकते, जानने में सक्षम। चेतन आत्मा के अतिरिक्त और परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। तो हम लोग तो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह को क्या पता है, ये तो कर्म इंद्रिय है। जितने शास्त्र हैं वेद उपनिषद संतों की वाणियां